केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जिस तरह से वहां शराब पकड़ी जाती है उससे यही लगता है कि अगर कोई शख्स शराब पीना चाहे तो उसके लिए तमाम रास्ते खुले हैं, क्योंकि शराब तस्कर शराबियों के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं। ताज़ा मामला कैमूर जिले का है, जहां मोहनिया के समेकित चेक पोस्ट पर ALTF के 554 पेटी शराब जब्त की है। इतनी भारी मात्रा में शराब बरामद होने से एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या सच में बिहार में शराबबंदी है। ALTF ने जिस ट्रक से शराब बरामद की है उसके ड्राइवर और सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक पंजाब के नंबर का है, जिसमें भारी मात्रा में शराब को प्याज की बोरियों में छिपाया गया था। शराब की कुल 554 पेटी बरामद हुई है, जिसमें 12,372 पीस शराब की बोतल है, जो 4,949 लीटर बैठती है। गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब के हनुमानगढ़ जिले का कालूराम है, जो कि ड्राइवर है, और उनका सहयोगी है जिसका नाम सुखविंदर सिंह है। वो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले का रहने वाला है। इन लोगों के पास से दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। ये लोग वाराणसी की तरफ से शराब को लोड करके ला रहे थे। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब की डिलीवरी कहाँ करने जा रहे थे। बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद शराब का गोरखधंधा बिहार में फल फूल रहा है। पुलिस कई बार छापेमारी करके अवैध शराब बरामद कर चुकी है, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो कहा ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।